नमस्कार साथियों, एपिकल एग्री एकेडमी से मैं मनोहर धाकड़ आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम जो चौथा टेस्ट लेकर के आए हैं और इसमें जनरल एग्रीकल्चर या सामान्य कृषि के ऊपर जो मैंने पेपर बनाया है, ये हमारी BHU की एग्ज़ाम की हम बात कर ले या फिर MSc एंट्रेंस की हम बात करें या फिर बैंकिंग के अंदर जो AFO का पेपर होता है उसके क्वेश्चन भी यहाँ मैंने शामिल किए हैं और ADA की एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। तो साथियों, आज का पेपर हम स्टार्ट करें उसके पहले हर बार की तरह आपको अपना रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा है। और आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हमारे आज के जो पेपर है इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, पहला क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सॉइल वाटर विच वन इज द मोस्ट यूजफुल फॉर द प्लांट्स। ऑप्शन है कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर और कंबाइंड वाटर। यहाँ पर हिंदी में इस क्वेश्चन का मतलब होता है दोस्तों कि दिए गए मिट्टी के जल के अंदर जो होते हैं उसमें से कौन सा वाला जल पौधों के लिए उपयोगी होता है। और साथियों, यहाँ हमारा आंसर आएगा ए, कैपिलरी वाटर, जिसको हम लोग केशीय जल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, द एडिबल पोर्शन ऑफ स्वीट पोटैटो इज, और ऑप्शन में है मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड स्टेम, लीफ और फ्रूट। और क्वेश्चन को हिंदी में अगर हम कहें तो शकरकंद का खाया जाने वाला भाग क्या होता है, और ऑप्शन में है रूपांतरित जड़, रूपांतरित तना, पत्ती और फल। और साथियों, स्वीट पोटैटो या शकरकंद में हम लोग जो खाते हैं वो एक मॉडिफाइड रूट होता है जिसको रूपांतरित जड़ कहते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा ए, मॉडिफाइड रूट। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन साथियों, बरसीम इज ए फोडर क्रॉप एंड इज रिकमेंडेड फॉर सोविंग इन द मंथ ऑफ, या हिंदी में कहें तो बरसीम जो कि एक चारे वाली फसल है इसको कौन से महीने में बोया जाता है। ऑप्शन में है मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी। साथियों, बरसीम को चारों का राजा या किंग ऑफ फोडर भी कहा जाता है और ये विंटर या रबी के मौसम का चारा होता है, इसलिए इसकी बुआई का जो समय होगा वो होगा अक्टूबर से नवंबर। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा सी, अक्टूबर से नवंबर। और इस महीने में शीत ऋतु या रबी के मौसम की जो फसलें होती है उनको इसी महीने में लगाया जाता है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर अक्टूबर से नवंबर होगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। वाटर यूज इफिशियंसी इज द हाईएस्ट इन केस ऑफ, या हिंदी में क्वेश्चन का मतलब होता है कि जल उपयोग दक्षता सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन में फ्लड इरिगेशन यानी कि बाढ़ विधि, बॉर्डर इरिगेशन यानी कि सीमांत पट्टी विधि, स्प्रिंकलर यानी कि फवारा विधि और ड्रिप यानी कि टपकाव विधि। और इन सभी विधियों में देखा जाए दोस्तों तो जल उपयोग दक्षता या वाटर यूज इफिशियंसी सबसे ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन या टपकाव विधि की होती है, इसलिए हमारा आंसर आएगा डी, ड्रिप इरिगेशन। और साथियों, ड्रिप इरिगेशन आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण विधि जिसका विकास इसराइल में किया गया है और इसी की जल उपयोग दक्षता सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, पोटैटो ट्यूबर इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, या आलू का जो कंद होता है वो किसका रूपांतरण होता है। ऑप्शन में है रूट यानी कि जड़, स्टेम यानी कि तना, लीफ यानी कि पत्ती और फ्लावर यानी कि पुष्प। और साथियों, आलू जो है वो एक भूमिगत या अंडरग्राउंड पार्ट होता है और हम आलू के अंदर जो एडेबल पार्ट होता है उसको हम लोग ट्यूबर कहते हैं और वो एक तने का रूपांतरण होता है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर आएगा बी, स्टेम, क्योंकि पोटैटो जो होता है वो एक मॉडिफाइड स्टेम या एक रूपांतरित तना होता है जिसको हम लोग ट्यूबर कहते हैं। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर बी, स्टेम या तना। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। साथियों, क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोविंग इन ऑल सीजन, या निम्न में से कौन सी फसल सभी मौसम में लगाई जा सकती है। ऑप्शन में शुगर केन यानी कि गन्ना, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, लेंटिल यानी कि मसूर, और यहाँ पर ये नेज नहीं, ये मेज है, मेज यानी कि मक्का या कॉर्न होता है। साथियों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो साल भर में लगाई जाने वाली जो फसल है जिसको हम किसी भी मौसम में लगा सकती है वो होती है मेज यानी कि मक्का, क्योंकि ये एक डे न्यूट्रल प्लांट है, दिवस उदासीन पौधा है और इसको हम किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा डी, मेज या मक्का। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। और हमारा अगला क्वेश्चन है, CFTRI इज सिचुएटेड एट, या CFTRI कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में मैसूर, नई दिल्ली, लखनऊ और कोई नहीं। साथियों, CFTRI का पूरा नाम होता है सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या केंद्रीय
खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान और इसका जो मुख्यालय है वो पूछा हुआ है यहाँ पर। और साथियों CFTRI का जो मुख्यालय है इसका हेडक्वार्टर वो मैसूर में है, इसलिए हमारा आंसर आएगा ए मैसूर। अगला क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ दी फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज साइकल्ड इन द सोइल थ्रू एटमोस्फियर, या हिंदी में कहें तो वह कौन सा तत्व है जो मिट्टी के अंदर वातावरण के द्वारा जो है वो आता है। और ऑप्शन में है फास्फोरस, पोटास, जिंक और नाइट्रोजन। साथियों वायुमंडल से एक चक्र के माध्यम से मिट्टी के अंदर आने वाले एलिमेंट के तत्व का नाम है नाइट्रोजन। और यहाँ पर नाइट्रोजन का जो चक्रीकरण होता है ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा डी नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है साथियों, पल्सेस क्रॉप्स विच डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोस्फियर इजीली, या वह कौन सी दलहनी फसल है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर पाती। और ऑप्शन में है अरहर, पी, सोयाबीन और राजमा। साथियों यहाँ पर हम बात करें तो सारी दाल वाली फसलें जो होती है ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करती है। लेकिन जो राजमा होता है जिसको हम लोग फ्रेंच बीन कहते हैं, इसकी जड़ों में बैक्टीरिया नहीं पाया जाता, राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पर अनुपस्थित होता है। तो राजमा एक ऐसी दलहनी फसल है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा डी राजमा। और यहाँ पर हम लोग राजमा को फ्रेंच बीन भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, फाउंडेशन सीड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, या आधार बीज किससे उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन में न्यूक्लियर सीड यानी कि नाभिक बीज, ब्रीडर सीड यानी कि जनक बीज, क्वालिटी सीड यानी गुणवत्ता वाला बीज और सर्टिफाइड सीड या प्रमाणित बीज। साथियों फाउंडेशन सीड जो होता है जिसको हम आधार बीज कहते हैं वो ब्रीडर सीड या प्रजनक बीज से उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा कि फाउंडेशन सीड ब्रीडर सीड से तैयार किया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा बी ब्रीडर सीड या प्रजनक बीज। और साथियों आपको ध्यान रखना है कि फाउंडेशन सीड के लिए जो कलर का टैग लगाया जाता है वो व्हाइट कलर का टैग, सफ़ेद रंग का टैग लगाया जाता है। और फाउंडेशन सीड को मदर सीड भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि फाउंडेशन सीड का एक और नाम क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना है इसी को हम लोग मदर सीड भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है साथियों, विच वीडिसाइड इज यूज टू किल वीड्स ऑफ ब्रॉड लीव्स इन लेग्यूम क्रॉप, यानी कि दाल वाली फसलों के अंदर कौन से शाकनाशी का इस्तेमाल चौड़ी पत्ती के खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन में 24D, 245T, 24DB और नन यानी कि कोई नहीं। साथियों दलहनी फसलों के अंदर क्योंकि दाल वाली फसलें खुद चौड़ी पत्ती वाली होती है, ब्रॉड लीफ की होती है, और उसके अंदर फिर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर जो विकल्प हैं उसके अंदर से देखा जाए तो 24DB यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और 24DB एक ऐसा शाकनाशी है जो दाल वाली फसलों के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये दलहनी फसलों के अंदर ब्रॉड लीफ को कंट्रोल कर देता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, द एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन विच इन इंडिया इज डिवाइडेड आर, यानी कि भारत के अंदर कृषि जलवायु क्षेत्र जो हैं उनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। और यहाँ पर ऑप्शन में है 10, 15, 12 और 6। दोस्तों भारत के अंदर कृषि जलवायु क्षेत्र या एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो होते हैं उनको 15 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 15 या 15 और यह हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। साथियों ध्यान रखना है अगर आपको यहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन के स्थान पे यदि एग्रो इकोलॉजिकल जोन या कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र अगर दिया जाता तो उसके लिए हमारा आंसर यहाँ पर 20 यानी कि 20 होना था, लेकिन यहाँ पर एग्रो इकोलॉजिकल नहीं पूछा हुआ है, एग्रो क्लाइमेटिक पूछा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका आंसर 15 या 15 लगाया है। अगर इकोलॉजिकल जोन होते तो हम लोग यहाँ पर आंसर 20 या 20 लगाते। अगला क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द डोरमेंसी, या कौन सा पादप हार्मोन सुषुप्त अवस्था को तोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन में है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड और 24D। साथियों यहाँ पर डोरमेंसी ब्रेकिंग या निद्रा अवस्था को भंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है जिब्रेलिक एसिड। तो हमारा आंसर आएगा सी जिब्रेलिक एसिड। और यदि ऑप्शन में जिब्रेलिक एसिड नहीं होता तो हम लोग फिर साइटोकाइनिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में जिब्रेलिक एसिड नहीं आता तो हमारा आंसर साइटोकाइनिन होता, लेकिन चूंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन में है
तो पहला जो आंसर है वो हमारा जिब्रेलिक एसिड होगा, चूंकि इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द सोइल इन द फॉर्म ऑफ, या अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को कौन से रूप में ग्रहण करते हैं, और ऑप्शन में है नाइट्रेट, नाइट्राइट, फ्री नाइट्रोजन और नाइट्रिक एसिड। साथियों मोस्ट ऑफ द प्लांट, अधिकांश जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बी, नाइट्रेट, NO3 जिसको हम लोग कहते हैं। और सिर्फ धान का जो पौधा होता है पेडी प्लांट वो, और आलू और अंकुरित जो मक्का होती है वो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं, और इनको छोड़ करके बाकी सारे पौधे जो है वो नाइट्रेट या NO3 के रूप में नाइट्रोजन को मिट्टी से ग्रहण करते हैं। इसलिए हमारा आंसर आएगा यहाँ पर बी, नाइट्रेट। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, और हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट, या निम्न में से कौन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, और ऑप्शन में कैल्शियम, जिंक, नाइट्रोजन और फास्फोरस। साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैल्शियम को हम लोग सेकेंडरी एलिमेंट कहते हैं, और नाइट्रोजन और फास्फोरस को प्राइमरी असेंशियल एलिमेंट कहा जाता है, लेकिन जो जिंक है इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट या सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, और यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बी, जिंक। अगला क्वेश्चन है साथियों, द फर्टिलाइजर कंटेनिंग नाइट्रोजन इन एमाइड फॉर्म, या ऐसा उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होती है, और हमारा ऑप्शन है यूरिया, केन, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फास्फेट। और साथियों यहां पर देखा जाए तो एमाइड के रूप में नाइट्रोजन जिसके अंदर पाई जाती है उन्हें हम लोग ऑर्गेनिक या कार्बनिक प्रकृति के उर्वरक कहते हैं, और उसके हिसाब से हमारा आंसर यहाँ पर आएगा ए, यूरिया, क्योंकि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन जो 46% होती है वो एमाइड के रूप में होती है, और इसीलिए यूरिया को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या कार्बनिक प्रकृति का उर्वरक कहा जाता है। साथियों यहाँ हमारा आंसर आएगा ए, यूरिया। अगला क्वेश्चन है साथियों, नियर द कैनाल बैंक सोइल बिकम, या नियर दी कैनाल बैंक यानी नहर के किनारे की जो मिट्टी होती है वो किस प्रकार की होती है, ऑप्शन में है एल्केलाइन यानी कि क्षारीय, एसिडिक यानी कि अम्लीय, न्यूट्रल यानी उदासीन, और वेल ड्रेन या अच्छे जल निकास वाली। साथियों कैनाल बैंक यानी नहर के किनारे, नहर के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ हर साल पानी भर जाता है, और पानी भरने की वजह से वहाँ की मिट्टी जो होती है वो क्षारीय हो जाती है, इसलिए यहाँ हमारा आंसर आएगा ए, एल्केलाइन या क्षारीय। और साथियों को ध्यान रखना है नहर के आसपास की मिट्टी जो होती है वो क्षारीय होती है, और यदि ऐसा क्वेश्चन था कि पहाड़ी मृदाएँ कैसी होती है, हिली सोइल्स कैसी होती है, तो वो अम्लीय होती है, तो यहाँ हमारा आंसर जो आएगा वो नहर के किनारे की मिट्टी क्षारीय होती है, तो आंसर आएगा ए। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है साथियों, एज़ोटोबैक्टर इज़ यूजफुल इन फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इन, या एज़ोटोबैक्टर जो बैक्टीरिया होता है वो हवा से नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करता है वो किस प्रकार का करता है, ऑप्शन में है नॉन लेग्यूम क्रॉप लाइक राइस एंड व्हीट यानी कि गैर दलहनी फसलें जैसे कि धान और गेहूं, अगला है लेग्यूमिनस क्रॉप यानी दाल वाली फसलें, फिर सोयाबीन और फिर नन ऑफ दीज। साथियों एज़ोटोबैक्टर बैक्टीरिया जो होता है ये एक फ्री लिविंग यानी कि स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया होता है, और ये गैर दलहनी फसलों में या नॉन लेग्यूम क्रॉप के अंदर इस्तेमाल में लाया जाता है, इसलिए हमारा आंसर आएगा यहाँ पर ए, नॉन लेग्यूम क्रॉप या गैर दलहनी फसलें। और दोस्तों अगर यहाँ पर एज़ोटोबैक्टर के स्थान पर यदि राइजोबियम बैक्टीरिया होता तो उसके लिए हमारा आंसर यहाँ पर लेग्यूमिनस क्रॉप या बी वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि एज़ोटोबैक्टर का पूछा हुआ इसलिए आंसर आएगा ए, नॉन लेग्यूम क्रॉप। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों अगला क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द क्ले पार्टिकल इन द सोइल फॉल्स वन ऑफ द रेंज, यानी कि जो क्ले कण जो होते हैं मिट्टी के अंदर, जो मृत्तिका होती है उसका आकार किसके बीच होता है, और ऑप्शन के हिसाब से ए में देखा 0.25 से लेकर 0.10 mm, दूसरा है 0.10 से 0.05 mm, तीसरा है 0.05 से 0.002 mm, और चौथा ऑप्शन है 0.002 mm से भी कम या लेस देन 0.002 mm। साथियों क्ले जो होता है, क्ले इज़ दी फाइनेस्ट पार्टिकल ऑफ द सोइल, या क्ले मिट्टी का सबसे बारीक कण होता है, और इसका आकार 0.002 mm से भी कम होता है, इसलिए हमारा आंसर आएगा यहाँ पर डी, 0.002 mm से कम। और साथियों अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है साथियों, पोटैटो इज़ प्रोपोगेटेड थ्रू
या आलू को किस प्रकार से प्रसारित किया जाता है, किस प्रकार से लगाया जाता है। ऑप्शन में ट्यूबर यानी कि कंद, माइक्रो ट्यूबर यानी कि सूक्ष्म कंद, TPS यानी कि ट्रू पोटेटो सीड और ऑल ऑफ दीज। साथियों, आलू को मिट्टी में लगाने के लिए, आलू के नए पौधे तैयार करने के लिए यहाँ पर ट्यूबर, माइक्रो ट्यूबर और TPS इन तीनों ही विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दिस। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो TPS या ट्रू पोटेटो सीड जो होता है, इस टेक्निक को निकालने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर रामानुजन थे। उनके अनुसार बहुत ही कम मात्रा में आलू के बीज की आवश्यकता होती है और हमारे देश में सिर्फ कुफरी शिमला के अंदर ही TPS तैयार किया जाता है, या आलू का जो सत्य बीज है सिर्फ वहीं पर तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात की कि आलू को किस विधि से लगाया जा सकता है, तो हमारा आंसर आएगा डी, सभी विधियों द्वारा लगा सकते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय, या अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन में फंगस यानी कि कवक, एल्गी यानी शैवाल, अर्थवर्म यानी कि केचुआ और बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। साथियों, अमोनिया से जब तक नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित नहीं होती, तब तक पौधे इसको प्राप्त नहीं कर पाते। और ये जो बड़ा महत्वपूर्ण रूपांतरण है, इस रूपांतरण में सबसे महत्वपूर्ण होता है बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आंसर आएगा डी, बैक्टीरिया। और दोस्तों, अमोनिया से नाइट्रेट में नाइट्रोजन के रूपांतरण के लिए दो प्रकार के बैक्टीरिया हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है नाइट्रोसोमोनास और एक होता है नाइट्रोबैक्टर। तो यहाँ पर आपको बैक्टीरिया के नाम भी ध्यान रखना है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। और यहाँ हमारा आंसर आएगा बी, डी, बैक्टीरिया या जीवाणु। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में, और हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पडिंग इन पेडी इज टू, या धान के अंदर पडलिंग, जिसको हम लोग पंख भंजन या कीचड़ मचाना भी कहते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन में डिस्ट्रॉय इंसेक्ट पेस्ट यानी कि कीट और पीड़कों को नष्ट करना, दूसरा है क्रिएट ई परमिएबल लेयर इन द सोइल, या मृदा में अपारगम्य परत तैयार कर लेना, मिक्स दी फर्टिलाइजर इन द सोइल, या मिट्टी के अंदर उर्वरक को मिलाना, और नन ऑफ दीज, या कोई नहीं। साथियों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पडलिंग जो होता है, जो धान के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया होती है, जो परकोलेशन को कम करने के लिए की जाती है, रिड्यूस दी परकोलेशन, और यहाँ पर ऐसा करके हम लोग पोषक तत्व की हानि को बचा लेते हैं, और उसके लिए मिट्टी में हम लोग एक ऐसी परत बना देते हैं ताकि नीचे जो है वो अपारगम्य हो जाए। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे बी, क्रिएट इम्परमिएबल लेयर इन द सोइल, या मिट्टी में अपारगम्य परत तैयार कर लेना। तो आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला सही होगा। साथियों, अगला क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स इंक्रीज फॉस्फेट सोल्युबिलिटी, या सूक्ष्म जीवों का कौन सा समूह फॉस्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ा देता है। ऑप्शन में है एजोटोबैक्टर, स्यूडोमोनास, क्लास्ट्रिडियम और राइजोबियम। साथियों, फॉस्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए PSB या फॉस्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, और यहाँ पर अगर PSB की हम बात करें तो जो स्यूडोमोनास है, यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है हमारा, ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि स्यूडोमोनास और बेसिलस ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बी, स्यूडोमोनास। साथियों, अगला क्वेश्चन है, मैच्योरिटी इन शुगर केन कैन बी इजीली डिटरमाइंड बाय हैंड रिफ्रेक्टोमीटर व्हेन इट्स रीडिंग इज, यानी कि गन्ने की परिपक्वता की जो जाँच होती है, उसके लिए जो हाथ से चलाया जाने वाला रिफ्रेक्टोमीटर होता है, उसकी रीडिंग कितनी होती है, या गन्ने के परिपक्वन का समय निकालने के लिए रिफ्रेक्टोमीटर की रीडिंग कितनी होना चाहिए। ऑप्शन में 10 से 15, बी है 17 से 18, सी है 20 से 22 और डी है 22 से ज़्यादा, या मोर देन 22। साथियों, रिफ्रेक्टोमीटर की रीडिंग, अगर गन्ने के रस की रिफ्रेक्टो रीडिंग 17 से 18 आ जाती है, 70 to 18, तो उसको परिपक्व माना जाता है। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर बी, 17 to 18। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, और साथियों हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है साथियों, सनफ्लावर ऑयल इज रेटेड एज ए गुड क्वालिटी ऑयल बिकॉज इट कंटेन, यानी कि सूर्यमुखी के तेल को बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाला तेल कहा जाता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है। ऑप्शन में है लो क्वांटिटी ऑफ दी सेचुरेटेड फैटी एसिड, या संतृप्त वसीय अम्ल की कम मात्रा, दूसरा है लो क्वांटिटी ऑफ दी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, या असंतृप्त वसीय अम्लों की कम मात्रा, सी है हाई क्वांटिटी ऑफ दी सेचुरेटेड फैटी एसिड, या संतृप्त वसीय अम्लों की उच्च मात्रा, और डी है हाई क्वांटिटी ऑफ दी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, या असंतृप्त वसीय अम्लों की उच्च मात्रा। साथियों, सूर्यमुखी का जो तेल होता है और जो
सनफ्लावर यानी कि जो कुसुम का तेल होता है वो हृदय रोगियों के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, चूँकि इनके अंदर पूफा यानी कि पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं, और पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से ही इनकी क्वालिटी सबसे अच्छी मानी गई है। इसलिए हमारा आंसर आएगा यहाँ पर डी कि हाई क्वालिटी ऑफ दी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। साथियों अगला क्वेश्चन है, यूरिया हाइड्रोलाइसिस इन द सॉइल प्रोड्यूस, या मिट्टी में यूरिया का जब जल अपघटन होता है तो क्या बनाता है। पहला ऑप्शन है यूरिक एसिड, दूसरा है अमोनियम कार्बोनेट, तीसरा है अमोनियम कार्बोनेट और चौथा है एमाइड। साथियों यहाँ पर यूरिया के जल अपघटन के लिए यानी कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ द यूरिया इन द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द यूरिएज एंजाइम, यानी कि यूरिएज एंजाइम जो होता है ये इसका जल अपघटन करता है, और यूरिया के जल अपघटन के परिणाम स्वरूप मिट्टी में अमोनियम कार्बोनेट बनता है। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा अमोनियम कार्बोनेट, और यहाँ पर चूंकि बी और सी दोनों ही ऑप्शन में अमोनियम कार्बोनेट दे रखा साथियों, तो हमारा आंसर यहाँ पर बी और सी दोनों आ सकते हैं, चूंकि दोनों में अमोनियम कार्बोनेट होता है और यूरिया मिट्टी के अंदर सबसे पहले अमोनियम कार्बोनेट के अंदर ही परिवर्तित होता है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ द सोयाबीन इज, या सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई। ऑप्शन में इंडिया, USA, जापान और चाइना। साथियों सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान यहाँ पर पूछा हुआ है, और NI वेविलो जिन्होंने उत्पत्ति स्थान की अवधारणा दी थी उसके हिसाब से सोयाबीन की जो उत्पत्ति हुई है वो चाइना के अंदर हुई, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा डी चाइना। और साथियों आपको ध्यान रखना है कि सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान तो चीन है, लेकिन अगर हम बात करें कि भारत के अंदर सोयाबीन कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया है, कहाँ से लाया गया है, तो हमारे यहाँ सोयाबीन USA या अमेरिका से आयात किया गया है, जबकि सोयाबीन का जो उत्पत्ति स्थान है वो चाइना है, तो यहाँ पर आंसर आएगा डी चाइना। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, और साथियों आपको अपना रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना है ताकि आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर हमें बता पाएँ। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन व्हीट इज़ बेसिकली एट्रीब्यूटेड टू, या गेहूं के अंदर जो हरित क्रांति जो है वो उसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन में है ग्रेटर यूज़ ऑफ द सीड ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी, बी है हायर यूज़ ऑफ द NPK फर्टिलाइज़र, सी वाला ऑप्शन है ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ द इरीगेशन, और डी वाला ऑप्शन है ग्रेटर यूज़ ऑफ द प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल। साथियों ए वाला ऑप्शन कह रहा है कि अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का जो इस्तेमाल करना वो है, बी में है NPK वाले उर्वरक का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ पर सिंचाई के साधन बहुत अच्छे उपलब्ध थे, और डी वाला कह रहा है कि प्लांट प्रोटेक्शन या पादप संरक्षण की जो रसायन है उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया गया। साथियों ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति के बारे में अगर देखा जाए तो गेहूँ के अंदर अधिक उपज देने वाली जो हाई यील्डिंग वैरायटी थी, जो बोनी किस्में थी, उनका योगदान सबसे ज़्यादा रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए ग्रेटर यूज़ ऑफ द सीड्स ऑफ द हाई यील्डिंग वैरायटी, या अधिक उपज देने वाली किस्मों के जो बीज का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया गया, तो हमारा आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है साथियों, फास्फोरस इज टेकन बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, या फास्फोरस जो है वो किस रूप में ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन में फास्फोरस क्लोराइड के रूप में, फास्फोरिक एसिड के रूप में, फास्फोरस सल्फेट के रूप में और फास्फोरस कार्बोनेट के रूप में। साथियों प्लांट जो फास्फोरस को अपटेक करते हैं वो P2O5 के रूप में या फास्फोरिक अम्ल के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा बी फास्फोरिक एसिड या फास्फोरिक अम्ल के रूप में, जिसको हम लोग P2O5 कहते हैं। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पौधे नाइट्रोजन को और फास्फोरस को इनको संयुक्त रूप में यानी कि कंबाइन फॉर्म में ही ग्रहण करते हैं, जबकि जो K यानी पोटास जो होता है वो सिंगल फॉर्म में या एकल रूप में ग्रहण किया जाता है, तो यहाँ पर फास्फोरस को पौधे P2O5 या फास्फोरिक एसिड के रूप में ग्रहण करते, इसलिए हमारा आंसर आएगा बी। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों अगला क्वेश्चन है, द कोर मेटल इन क्लोरोफिल इज, या क्लोरोफिल की जो कोर मेटल या क्लोरोफिल की जो मुख्य धातु है वो कौन सी है। ऑप्शन में है Fe यानी कि आयरन, Mg यानी मैग्नीशियम, Mn यानी मैग्नीज और Zn यानी जिंक। और साथियों क्लोरोफिल की मुख्य धातु जो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है और जिसके अभाव में पौधे क्लोरोफिल का निर्माण नहीं कर पाते, उस मुख्य धातु का नाम है मैग्नीशियम, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा Mg यानी कि मैग्नीशियम। और यदि यहाँ पर सहायक तत्व की बात की जाती, एसेसरी एलिमेंट की हम बात करते जो मैग्नीशियम के अलावा यहाँ पर आवश्यक होता है तो होता है आयरन, तो यहाँ पर मुख्य धातु की बात करें इसलिए आंसर हमारा मैग्नीशियम आएगा। और एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि अगर किसी पौधे की पत्ती को बर्न किया जाए या जलाया जाए तो हमें पत्ती के जलाने के पश्चात कौन सा तत्व प्राप्त होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि पत्ती के जलाने के पश्चात हमें मैग्नीशियम प्राप्त होता है, चूँकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल की मुख्य धातु होती है।
साथियों अगला क्वेश्चन है, एजोला ए नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इज इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ, या एजोला जो कि एक नाइट्रोजन स्थिरीकृत जीव होता है ये किसके साथ में सहजीवी संबंध के रूप में रहता है। ऑप्शन में फर्न तथा नीलीहरी शैवाल, या फर्न एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइटा एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, तीसरा है फंगाई एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, और चौथा है नॉस्टॉक एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। साथियों यहाँ पर देखा जाए तो जो एजोला है ये एक फर्न है, और फर्न और नीली हरी शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी हम कहते हैं इनके बीच का एक सहजीवी संबंध होता है, इसलिए हमारा आंसर आएगा ए फर्न एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, या फर्न और नीली हरी शैवाल के बीच में ये एक सहजीवी संबंध है। और एजोला का इस्तेमाल एज ए बायो फर्टिलाइज़र या जैव उर्वरक के रूप में हम लोग धान के खेत में करते हैं, पेडी के फील्ड में करते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर आएगा ए। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है साथियों, सीड वायबिलिटी इज टेस्टेड बाय द यूज ऑफ, या बीज की जीवन क्षमता को किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन में है ब्रोमाइड, दूसरा है आयोडाइड, तीसरा है क्लोराइड, और नन ऑफ दिस। साथियों वायबिलिटी ऑफ द सीड या बीज की जीवन क्षमता के लिए हम लोग क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, और टी जेड टेस्ट जो होता है, और टी जेड टेस्ट का इस्तेमाल सीड की वायबिलिटी के लिए किया जाता है जिसमें क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा क्लोराइड। और मैं आपको बताऊं साथियों कि बीज की जीवन क्षमता के माध्यम से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि बीज के अंदर जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, वो जीवित अवस्था में है या नहीं है, और अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने के लिए या टू फाइंड आउट दी जर्मिनेशन इन द सीड हम लोग वायबिलिटी टेस्ट करते हैं, और टी जेड टेस्ट जो होता है वो इसी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, द सेकेंडरी प्लांट एलिमेंट इज, या द्वितीय पोषक तत्व कौन सा है। ऑप्शन में नाइट्रोजन, कैल्शियम, जिंक और बोरान। साथियों सेकेंडरी एलिमेंट की बात करें तो सेकेंडरी एलिमेंट के अंदर तीन एलिमेंट आते हैं जिसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर तीन तत्व आते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा आंसर आएगा बी कैल्शियम। और जो नाइट्रोजन है दोस्त साथियों वो प्राइमरी एलिमेंट में आता है, प्राथमिक तत्व में आता है, जबकि जिंक और जो बोरान है इनको हम लोग माइक्रो एलिमेंट या सूक्ष्म तत्व के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी एलिमेंट द्वितीयक तत्व, हिंदी में इसको गौण तत्व भी कहते हैं, और यहाँ हमारा आंसर आएगा बी कैल्शियम। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है साथियों, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इज सिचुएटेड एट, या अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क फसलों के लिए अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। और सेमी एरिड ट्रॉपिक, और इसको अगर देखा जाए तो हम इक्रिसेड भी कहते हैं साथियों, और इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद के अंदर है। तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा सी हैदराबाद। और साथियों मैं आपको बता दूँ ये जो इक्रिसेड होता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान संस्थान है, और अर्धशुष्क फसलों के लिए या सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के लिए इसका रिसर्च होता है, ये भारत के अंदर एकमात्र ऐसा अनुसंधान संस्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, और इसका मुख्यालय जो है ये हैदराबाद में है। और यहाँ पर कम पानी वाली जो फसलें होती है, चाहे हम बात करें अरहर की, चाहे ज्वार की हम बात करें, उनके लिए अनुसंधान संस्थान यहाँ पर होता है दोस्तों। तो इक्रिसेड जो है वो हैदराबाद में आएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, पेडी हैज, या धान के पौधे में होते हैं, पहला ऑप्शन है तीन स्टेमन या तीन पुंकेसर, चौथा है फोर स्टेमन या चार पुंकेसर, सी में है फाइव स्टेमन या पांच पुंकेसर, और डी जो है वो सिक्स स्टेमन या छः पुंकेसर। साथियों पुंकेसर या स्टेमन यानी कि नर पुष्प की संख्या जो है वो पूछी गई है, और धान के पौधे में कितने पुंकेसर होते हैं, कितने स्टेमन होते हैं, ये यहाँ पर पूछा हुआ है। और यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा साथियों वो आएगा डी यानी कि सिक्स स्टेमन, धान के पौधे में पुंकेसर की संख्या छः होती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि धान के पौधे में स्टेमन या पुंकेसर की संख्या कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि छः पुंकेसर धान के पौधे में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों अगला क्वेश्चन है, कल्टीवेशन ऑफ द हाइब्रिड राइस इज मोस्ट पॉपुलर इन, या संकर धान की खेती सबसे अधिक प्रचलित है। ऑप्शन में है जापान, कोरिया, चाइना और इंडिया। साथियों हाइब्रिड राइस या संकर धान जिसका आविष्कार सबसे पहले चीन के अंदर वैज्ञानिक वाई एल पिंग ने किया था, और इसी के लिए उनको सन 2004 में विश्व खाद्य पुरस्कार भी दिया गया। तो इसकी खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, तो चाइना में होती है। हमारा आंसर आएगा यहाँ पर सी चाइना। अगला क्वेश्चन है साथियों, विच वन इज नॉट ए सिस्टम ऑफ फार्मिंग, या निम्न में से कौन एक खेती की प्रणाली नहीं है। और ऑप्शन में स्ट्रेट फार्मिंग जिसको हम लोग
राजकीय खेती कहते हैं, कलेक्टिव फार्मिंग जिसको हम लोग सामूहिक खेती कहते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग जिसको हम लोग सहकारी खेती कहते हैं, और ड्राई फार्मिंग जिसको हम लोग शुष्क खेती कहते हैं। साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिस्टम ऑफ फार्मिंग कौन सी नहीं है, और यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टेट फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये तीनों जो हैं साथियों ये सिस्टम ऑफ फार्मिंग में आते हैं, लेकिन जो ड्राई फार्मिंग होता है इसको टाइप्स ऑफ द फार्मिंग या खेती के हम प्रकार कहते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा डी, ड्राई फार्मिंग या शुष्क खेती ये खेती का एक प्रकार है या टाइप्स ऑफ द फार्मिंग के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, और हमारा अगला क्वेश्चन होगा साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है ओरोबंकी इज ए या ओरोबंकी एक है, ऑप्शन में है टोटल रूट पैरासाइट या पूर्ण मूल परजीवी, दूसरा है टोटल स्टेम पैरासाइट या पूर्ण तना परजीवी, तीसरा ऑप्शन है पार्शियली रूट पैरासाइट या आंशिक मूल परजीवी, या डी वाला है पार्शियल स्टेम पैरासाइट या आंशिक तना परजीवी। साथियों ओरोबंकी जिसको हम लोग ब्रूम रेप भी कहते हैं, इसको हम लोग भुई फोड़ा भी कहते हैं, और ये जो ब्रूम रेप या ओरोबंकी है ये सोलनेसी परिवार का एक परजीवी खरपतवार होता है, और यह टोटल रूट पैरासाइट या पूर्ण मूल परजीवी खरपतवार होता है साथियों। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर आएगा ए, टोटल रूट पैरासाइट या पूर्ण मूल परजीवी। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट या केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन में है जोधपुर, करनाल, देहरादून और हैदराबाद। साथियों मृदा की लवणता के बारे में, मृदा की अंदर जो लवण होते हैं उनके बारे में अनुसंधान संस्थान जो होता है वो करनाल में होता है, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा बी करनाल, और यहाँ पर मृदा की लवणता और उसमें किस प्रकार की फसलें लगाना चाहिए, किस प्रकार की फसलें यहाँ पर संवेदनशील होती है, प्रतिरोधी होती है, उस प्रकार का अनुसंधान यहाँ पर किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा आंसर बी करनाल होगा। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व इन नाइट्रिफिकेशन इन द सोइल या मिट्टी के अंदर कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रीकरण के लिए जिम्मेदार होता है, ऑप्शन में है ए स्यूडोमोनास, बी वाला है माइक्रोकोकस, तीसरा है सी थायोबैसिलस और चौथा है नाइट्रोसोमोनास। साथियों मिट्टी के अंदर नाइट्रीकरण के लिए शामिल होने वाले जीव का नाम है यहाँ पर नाइट्रोसोमोनास, तो हमारा आंसर आएगा डी नाइट्रोसोमोनास, और हम बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों अगला क्वेश्चन है रॉक फॉस्फेट इज यूज्ड इन या रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल किस में किया जाता है, ऑप्शन में है न्यूट्रल सोइल यानी कि उदासीन मृदा, एसिडिक सोइल यानी कि अम्लीय मृदा, एल्केलाइन सोइल यानी कि क्षारीय मृदा और सेलाइन सोइल यानी कि लवणीय मृदा। और साथियों रॉक फॉस्फेट जिसकी हम बात करें तो ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के अंदर हम पढ़ते हैं, और ये अघुलनशील फॉस्फेटिक उर्वरक होता है, और जनरली जो लंबे अवधि वाली फसलें होती हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और एसिडिक सोइल या अम्लीय मिट्टी में इसका इस्तेमाल हम करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कि रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल एसिडिक सोइल या अम्लीय मृदा में करना चाहिए, तो हमारा आंसर यहाँ पर बी आएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है माउंट मोइलोनाइट क्ले है सिलिके एंड एल्यूमिना लेयर्स रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, यानी कि जो माउंट मोइलोनाइट नामक खनिज होता है उसके अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम परतों का अनुपात जो होता है वो किस प्रकार का होता है, ऑप्शन में है 2:1, 1:2, 3:2 या 2:3। साथियों ये जो माउंट मोइलोनाइट खनिज होता है ये काली मिट्टी के अंदर या ब्लैक सॉइल या जो वर्टी सॉइल ऑर्डर के अंदर आती है उसके अंदर प्रधानता से पाया जाता है, तो काले मिट्टी में मुख्यतः माउंट मोइलोनाइट खनिज ही पाया जाता है, और इसको 2:1 मिनरल कहा जाता है, और ये स्प्रेडिंग यानी कि फूलने वाला खनिज होता है, इसी की वजह से मिट्टी के अंदर काली मिट्टी में फूलने और सिकुड़ने का गुण पाया जाता है, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा ए 2:1 या 2:1 खनिज। साथियों अगला क्वेश्चन है एजोरोबैक्टर फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, ये जो एजोरोबैक्टर बैक्टीरिया होता है ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करता है, और किस प्रकार से करता है ये यहाँ पर इसका ऑप्शन है सिम्बायोटिकली यानी कि सहजीवी रूप में, दूसरा है नॉन सिम्बायोटिकली यानी कि असहजीवी रूप में, तीसरा है बोथ सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी और असहजीवी दोनों रूप में, और चौथा है नन ऑफ द अबव यानी कि कोई नहीं। साथियों अभी थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन इसके ऊपर आया था कि ये किस प्रकार की फसलों में इस्तेमाल में लाया जाता है, जहाँ पर हमने कहा था कि ये नॉन लेग्यूम या गैर दलहनी फसलों में आता है, और अब यहाँ पर पूछा गया है कि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस प्रकार से करता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बी नॉन सिम्बायोटिकली या असहजीवी या ये स्वतंत्र जीवी रूप में रह करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर बी।
साथियों अगला क्वेश्चन है, द अवेलेबिलिटी ऑफ द मोलिब्डेनम इज मोर एट, या मोलिब्डेनम की उपलब्धता सबसे अधिक कब होती है? ऑप्शन में है 5 pH पर, बी वाला है 7 pH पर, सी वाला है 7.5 pH पर और डी वाला है 9 pH पर। साथियों ये जो मोलिब्डेनम नामक जो सूक्ष्म तत्व होता है, माइक्रो एलिमेंट होता है, इसकी उपलब्धता कितने pH पर होती है ये पूछा हुआ है। और वैसे मैं आपको बता दूँ, अधिकांश जो हमारे सूक्ष्म तत्व हैं, माइक्रो एलिमेंट हैं, जो अम्लीय मिट्टी के अंदर उपलब्ध हो पाते हैं या मिट्टी का जो pH 7 से कम होता है तब उपलब्ध हो पाते हैं, लेकिन जो मोलिब्डेनम है इसकी उपलब्धता 8.5 से भी ज़्यादा pH पर होती है। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा डी, 9 pH या 9 pH मान पर मोलिब्डेनम की उपलब्धता सबसे ज़्यादा होती है। हमारा आंसर यहाँ पर डी होगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों अगला क्वेश्चन है, सीड प्लॉट टेक्निक इज फॉलोड इन, या बीज प्रक्षेत्र तकनीकी का इस्तेमाल काई में किया जाता है? ऑप्शन में व्हीट यानी गेहूँ, पेडी यानी कि धान, पोटेटो यानी कि आलू और बाजरा यानी कि पर्ल मिलेट। तो साथियों यहाँ पर सीड प्लॉट टेक्निक और इस टेक्निक SPT इसको कहा जाता है और इसका आविष्कार वैज्ञानिक पुष्कर नाथ ने किया था और ये गुणवत्ता वाले बीजों के लिए या क्वालिटी वाले ट्यूबर्स के लिए किया गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सी, पोटेटो या आलू। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सीड प्लॉट टेक्निक जिसको बीज प्रक्षेत्र तकनीकी कहते हैं ये आलू से संबंधित है और इसका आविष्कार वैज्ञानिक पुष्कर नाथ ने किया था। तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा सी, पोटेटो यानी कि आलू। और इसका मकसद क्या था? तो वायरस मुक्त या वायरस से फ्री जो ट्यूबर है उनकी प्राप्ति के लिए या रोग रहित कंद की प्राप्ति के लिए इसका आविष्कार किया गया था दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ द कैल्शियम ऑन प्लांट्स आर फर्स्ट नोटिस्ड एट, या पौधे के अंदर कैल्शियम की कमी के लक्षण कहाँ पर दिखाई देते हैं? और हमारा ऑप्शन है लोअर लीफ यानी कि नीचे की पत्तियाँ, मिडिल लीव्स यानी कि बीच की पत्तियाँ, टर्मिनल लीव्स यानी कि ऊपर की शीर्ष पत्तियाँ, या ऑल ऑफ दिस यानी कि सभी पत्तियों पर। साथियों कैल्शियम की कमी या डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ द कैल्शियम्स आर अपियर ऑन दी बर्ड यानी कि कलिका के ऊपर इसके लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर बर्ड या कलिका ऑप्शन में नहीं है इसलिए हम लगाएंगे टर्मिनल लीव्स या शीर्ष पत्तियाँ या सबसे ऊपर की जो पत्तियाँ होती है उस पर इसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा सी, टर्मिनल लीव्स। लेकिन आपको ध्यान रखना दोस्तों, अगर यहाँ पर बर्ड ऑप्शन में होता या कलिका होता तो हम लोग यहाँ पर बर्ड या कलिका भी लगा सकते थे। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। और हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों अगला क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। और यहाँ पर फसल, क्रॉप्स और टर्म यूज्ड इन रिलेटेड रिलेशन टू द क्रॉप यानी फसल और उनमें इस्तेमाल में लाए जाने वाले शब्दों को लेकर के एक जोड़ी दे रखी है, जिसमें पहला है कॉर्न यानी मक्का, दूसरा है कॉटन यानी कपास, तीसरा है पीनट यानी कि मूँगफली और चौथा है डी जूट। और इनके लिए ऑप्शन में है रेटिंग, टैसलिंग, जिनिंग और पेगिंग। और साथियों यहाँ पर इनका अगर हम बात करें तो ए, कॉर्न की हम बात करें मक्का की, तो मक्का के लिए 2 नंबर पे टैसलिंग जो है ये वाला हमारा सही आंसर होगा। और कॉटन यानी कपास की हम बात करेंगे तो जिनिंग हमारा सही आंसर होना चाहिए। और पीनट यानी कि अगर हम मूंगफली की हम बात करेंगे तो यहाँ पर पैगिंग आता है, और जूट की हम बात करेंगे तो यहाँ पर रेटिंग आता है। तो यहाँ पर दोस्तों को ध्यान रखना है कि जो कॉर्न है उसमें टैसलिंग की जाती है। टैसलिंग का मतलब होता है इमरजेंस ऑफ द मेल फ्लावर या नर पुष्प का निकलना। कोकोनट में जिनिंग होता है, जिनिंग का मतलब होता है धागे को अलग करना। और पीनट मूंगफली में पैगिंग होता है जहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जहाँ पर मूंगफली का निर्माण होता है। और जूट के अंदर रेटिंग होता है जिसमें सेपरेशन ऑफ द फाइबर या धागे को अलग करने की क्रिया की जाती है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों अगला क्वेश्चन है, डीहलमिंग इन पोटेटो इज डन टू ऑप्टेन, या आलू के अंदर डीहलमिंग की क्रिया जिसको विपलालन की क्रिया भी कहते हैं ये काय के लिए की जाती है? ऑप्शन में हायर यील्ड यानी अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है क्वालिटी सीड ट्यूबर या गुणवत्ता वाले कंद प्राप्त करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है हायर स्टार्च कंटेंट या स्टार्च की मात्रा को बढ़ाने के लिए, या हायर प्रोटीन कंटेंट या उच्च प्रोटीन की मात्रा के लिए। साथियों ये जो डीहलमिंग की क्रिया होती है ये हार्वेस्टिंग के 10 से 12 दिन पहले की जाती है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है ऑब्टेन दी क्वालिटी सीड ट्यूबर या गुणवत्ता वाले कंद प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ हमारा आंसर जो आएगा साथियों वो आएगा बी, क्वालिटी सीड ट्यूबर या गुणवत्ता युक्त कंद प्राप्त करने के लिए। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों अगला क्वेश्चन है, व्हेन इरिगेशन वाटर इज अवेलेबल फॉर 2 irrigations ओनली द व्हीट क्रॉप शूड रिसीव दिस एट, यानी कि जब सिंचाई का
जल सिर्फ दो बार के लिए ही उपलब्ध हो तब गेहूं की फसल में सिंचाई कब करना चाहिए? और ऑप्शन में है CRI एंड लेट टिल्डिंग स्टेज, जिसको हम बोलते हैं कि CRI और कल्ले फूटते समय, दूसरा है CRI और बूट स्टेज, तीसरा है CRI और पुष्पन अवस्था फ्लावरिंग स्टेज, और चौथा है CRI और मिल्किंग स्टेज। तो साथियों यहाँ पर गेहूं की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर दो बार का अगर पानी हमारे पास में उपलब्ध है तो हमें सिंचाई कब कब करना चाहिए। साथियों यहाँ हमारा आंसर आएगा CRI एंड फ्लावरिंग स्टेज, यानी कि CRI अवस्था और पुष्पन अवस्था पर हम सिंचाई करेंगे अगर हमारे पास में दो बार का पानी उपलब्ध होगा तो। साथियों अब हमारा आज का अंतिम जो 50वां क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम नीड्स इरिगेशन थ्रू आउट द ईयर, यानी कि निम्न में से कौन सा सिंचाई का जो सिस्टम है, सिंचाई की जो पद्धति है, उसकी आवश्यकता हमें वर्ष भर होती है तो कब होती है? ऑप्शन में दियारा लैंड क्रॉपिंग सिस्टम, या जब दियारा खेती करते हैं तब, दूसरा है इंटर क्रॉपिंग सिस्टम, या जब अंतः सस्यन हम करते हैं तब की बात करें, मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम यानी जब मिश्रित खेती करते हैं तब के लिए, या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम या जब हम बहुसस्यन करते हैं। साथियों जब हमें वर्ष भर सिंचाई की आवश्यकता होती है, ऐसी आवश्यकता तब होती है जब हम मल्टीपल क्रॉपिंग या बहुसस्यन अपनाते हैं, जिसमें हम लोग एक खेत के अंदर एक वर्ष के अंदर तीन या चार फसलें लगा लेते हैं, उसको हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं या बहुसस्यन कहलाता है, तब हमें वर्ष भर सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा डी। और साथियों अब आपको कमेंट बॉक्स में आपका जो स्कोर है वो मुझे बताना है, और आपका स्कोर देख करके मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और आज का पेपर आपको कैसा लगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना साथियों। और आगे के टेस्ट पेपर के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।